अब हमारे 12th कॉमर्स का जो बोर्ड एग्जाम था वो खत्म हो चुका है। अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, अब मैं गवर्नमेंट जॉब्स क्या ग्रैब करना चाहता हूं। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आप 12th कॉमर्स के बाद क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो जो हमारे चैनल पर डली हुई है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब उसी वीडियो में हमने बात किया था आपके SSC CHSL के बारे में, जहां पे आप 12th के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ये जो एग्जाम है दे सकते हो और इसको कंप्लीट करके अगर आप पूरे क्राइटेरिया में फिट बैठ के अगर एग्जाम आप अच्छे से दे सकते दे देते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्या बन जाते हैं। अब यहां पे हम एक एक करके सारी चीजें जो है इस एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे पहली चीज जो हम ये डिस्कस करेंगे वो ये है कि SSC CHSL होता क्या है। अब यहां पे SSC की अगर बात करूं तो SSC क्या होता है, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। ये एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, आपके नेशनल लेवल पे आपके एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है दोस्तों। अब यहां पे अगर बात करूं ये एक ऐसी बॉडी है जो आपके सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट क्या करती है, हर साल करती है दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करूं CHSL की, CHSL होता है आपका जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जिसे आप क्या कर सकते हो, आप आपके 12th की जब परीक्षा कंप्लीट हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस एग्जाम को क्या देने के लिए। अब यहीं पर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आगे हम अगर बढ़े तब तो ये कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर रहता है। क्वालिफिकेशन जो रहता है दोस्तों वो आपका 10+2 का क्वालिफिकेशन रहता है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या एलिजिबल हो जाते हो इस एग्जाम को देने के लिए। आप ये मायने नहीं रखता है कि आप कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। अगर आप आर्ट से बिलोंग करते हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, इनकेस अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो भी आप क्या ये एग्जाम के लिए क्या एलिजिबल रहते हो। अब यहां पे अगर बात करें तो कोई भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आपकी इतने परसेंटेज होनी चाहिए तभी आप क्या इस ये एग्जाम देने के लिए क्या होगे एलिजिबल रहोगे। अगर आपने बस क्या किया एग्जामिनेशन की जो बेसिक क्राइटेरिया होती है आपके बोर्ड एग्जाम की, अगर वो आपने क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया तो आप क्या पूरी तरीके से क्या एलिजिबल हो इस एग्जाम को क्या देने के लिए। अब यहीं पे अगर मैं आगे की अगर बात करूं तो एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो एज लिमिट है कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज की क्राइटेरिया आपके 27 की क्या एज के क्राइटेरिया। और वही अगर आपकी कास्ट है ओबीसी है एसटी है एनटी है तो यहां पे आपको क्या कुछ रिलैक्सेशन भी क्या आपने देखने मिलते हैं दोस्तों, जो रिलैक्सेशन चालू होता है आपके 3 साल से लेकर आपके 10 साल तक का क्या मिलता है आपको। अब यहीं पे अगर नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है, तो यहां पे आपके जो एग्जाम्स होती है आपके 3 टाइम यानी 3 लेवल्स में आपको एग्जाम देना रहता है। सबसे पहला जो एग्जाम होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कि बेसिकली आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जहां पे आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। टायर 2 जो रहता है वहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है यानी पेन एंड पेपर आपको लिखना रहता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपके कंप्यूटर स्किल्स पे बेस आपके क्या टेस्ट होते हैं। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले टायर 1 की बात करेंगे तो यहां पे आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं जिसमें से आपको 25-25 क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा अगर मैं बात करूं आपके 100 क्वेश्चंस आपको क्या दिए जाते हैं। अब यहां पे जो 100 क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स होते हैं एग्रीगेट मार्क्स होता है वो 200 मार्क्स रहता है। अब टाइम जो मिलता है आपको 1 आवर का क्या पूरा टाइम मिलता है इस एग्जाम को क्या देने के लिए। अगर आप पास होना है तो पासिंग जो क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपको इसके 33% क्या मार्क्स का स्कोर करना रहता है। अब यहां पे आपके अगर आप करेक्ट आंसर चूज करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, वहीं अगर आप नेगेटिव मार्किंग या फिर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपके 0.5 मार्क्स के आपके कट भी होते हैं, ठीक है। अब टायर 1 का सिलेबस क्या है, यहां पे आपको सब्जेक्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद अगर मैं जनरल लैंग्वेज, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर जनरल अवेयरनेस। अब ये चारों जो सब्जेक्ट है इनमें से आपको 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का कैरी करेगा। देखो ऑलरेडी मैंने क्वालिफाइंग मार्क्स जो बताया था आपको 33% का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा और कट ऑफ जो रहता है डिपेंड करता है आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है उस साल निकल रही जिस साल आप जो है एग्जाम के लिए क्या अपियर कर रहे हैं। अब टायर 2 की अगर हम बात करूं तो ये रिटर्न एग्जाम होगा आपके 100 मार्क्स का जहां पे आपको 200-250 वर्ड्स क्या के ऐसे लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए दिए जाएंगे। जो टाइम अलॉट होगा वो 1 आवर का टाइम अलॉट होगा दोस्तों। अब यहीं पे टायर 3 की अगर बात करूं तो कंप्यूटर स्किल बेस्ड टेस्ट होगा जहां पे आपके टाइपिंग स्पीड, फिर वहीं अगर मैं बात करूं आपके कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है उसके बेस पे ये पूरा टेस्ट होगा। और यहां पे अगर मैं बता दूं अगर आप टायर 1 क्वालिफाई करते हो तभी आप टायर 2 के लिए क्या हो गया एलिजिबल रहोगे। अब टायर 1 टायर 2 दोनों क्वालिफाई करते हो फिर आप जाके क्या टायर 3 के लिए क्या एलिजिबल रहोगे दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ पोस्ट कौन से मिलते हैं, डाटा एंट्री का ऑपरेटर की आपकी पोस्ट मिल जाती है, लोअर डिविजन क्लर्क का पोस्ट मिल जाता है, जूनियर असिस्टेंट का, सॉर्टिंग असिस्टेंट का, फिर कोर्ट क्लर्क का क्या आपको यहां पे पोस्ट देखने मिलते हैं। अब एग्जाम के फॉर्म्स कब निकलते हैं, एग्जाम के जो फॉर्म्स है हर साल आपके नवंबर से लेकर दिसंबर के मंथ में क्या निकलते हैं दोस्तों। वहीं एग्जाम की फीस की अगर मैं बात करूं अगर मेल कैंडिडेट से तो आपको 100 रुपीज जो रहता है फॉर्म का फी पे करना रहता है। इनकेस अगर आप फीमेल कैंडिडेट तो आपको 1 रुपए पे करने की जरूरत नहीं, आप फ्री में क्या आप ये एग्जाम क्या दे सकते हैं।
अब यहां पर अगर मैं सैलरी की बात करूं, जो सैलरी है आपकी, जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो आपके स्टार्ट होती है इस ये एग्जाम देने के बाद, वो आपके 19,000 से स्टार्ट होती है, 19,000 से आपके स्टार्ट होती है, 19,000 से लेकर आपकी जो सैलरी है 82K के क्या बीच में रहती है। अब सैलरी डिपेंड करती है आपके पोस्ट पे, आपके रैंक पे, साथ ही साथ आप कितनी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है उस हिसाब से आपकी जो सैलरी होगी वो वैरी करेगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें आपको पूरी क्लियर समझ में होगी कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ सके। अगर आपको ऐसे और सारे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों।